हाय, आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ अवर प्रियस टू लेक्चर सीरीज अबाउट नेमाटोड दैट्स द फाइव इंपॉर्टेंट नेमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन हमने पिछले लेक्चर्स में नेमाटोड्स की बेसिक स्ट्रक्चर नेमाटोड्स के लाइफस्टाइल और नेमाटोड की जो स्ट्रक्चर्स हैं अडॉप्टेशंस हैं और उनमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनके जो फंक्शंस हैं उन पे हमने बातचीत की थी इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली वैसे ये बहुत ज्यादा तादाद है देयर 100000स ऑफ नेमाटोड व्हिच आर पैरासिटिक इवन द डिजीज बट इन दिस लेक्चर वी ओनली डिस्कस फाइव नेमाटोड जो हमारे यहां टेक्सट बुक में शामिल हैं। सो द बेसिक थिंग दैट वी मस्ट नो दैट वाई निमाटोड पैरासाइट्स आर हाईली हाईली अडोप्टेड हाईली सक्सेसफुल

ट्रेड्स पाए जाते हैं जो उनके लाइफ स्टाइल में सक्सेसफुल रहने में का रोल प्ले करते हैं एक ये दे आर हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मैंने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि एक निमाटोड दो लाख से ज्यादा अंडे देता है कुछ नेमाटोड्स मिलियन की तादाद में अंडे देते हैं कुछ हजारों की तादाद में देते हैं मींस अ सिंगल स्मॉल बॉडी गिव हंड्रेड थाउजेंड्स मींस एक्स सो उन्हीं एक्स को कहीं ना कहीं जो है ना कोई तो चांस मिलेगा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जिसकी वजह से जो है ना वो आ, उस एनवायरमेंट में सरवाइव करेंगे तो ये एक उनकी

एन एन्जाइम रेजिटेंट क्यूटिकल के उनमें क्यूटिकल पाई जाती हैं वो होस्ट के एन्जाइम को रेजिस्ट करती है वो उनकी डाइजेस्टेबिलिटी को निल नल करती है जिसकी वजह से जो है ना वो आप सर्वाइव कर सकते हैं एन वेन दैन विथ स्टैंड विथ कैन सर्वाइव इन एन इन्वॉर्मेंट तो इस वजह से देव द रजिस्टेंस एग और अगर एग से लारवा हीज होता है तो वो भीड लार्वा होता है और दूसरी अहम बात यह है कि नेमाटोड की लाइफ साइकिल सिंपल होती है कई, कई एक होस से डिपेंड करती है और कुछ में जो है ना कई होस पे डिपेंड करती है तो मीन ये ट्रेड जो हमने डिस्कस किए तकरीबन छह ट्रेड डिस्कस किए हैं जिनकी वजह से ये नेमाटोड पैरासाइट्स जो है ना हाईली सक्सेसफुल हैं और यहाँ जो है ना हम लाइफ साइकिल सिर्फ पांच डिस्कस, डिस्कस एसकेरस

20 टू 30 सेंटीमीटर वर्ल्ड वाइड प्रिविलेंस ये है कि तकरीबन 800 मिलियन से ज्यादा पीपल जो है ना इसके लुब्रिकॉइड से इन्फेक्टेड है और ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ये तस्वीर ये मेल है और ये क्या है फीमेल है फीमेल ऑलवेज बिगर देन मेल नेमाटोड्स और एनिमल्स में अक्सर ऐसा होता था फीमेल साइज में लार्ज होते हैं दूसरा अहम बात यह है के मेल में जो एस्करे मेल एस्करेस होता है उनकी जो ये पोस्टीरियर एंड जो है ना ये शेप होती है एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स विद द विदेस क्योंकि स्मॉल में रहते हैं और फीसिस के साथ जो है ना वो, वो इनके अंडे बाहर जाते हैं सो दिस इज द नेम आस इट फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ए ह्यूमन बींगी एग्स और जाते हैं और इनमें क्लीवेज हो रही है ये मीनस ये अभी ये ह्यूमन बॉडी से बाहर है किसी इन्वायरमेंट में पानी में या किसी और इन्वायरमेंट में और ये एग्स डेवलप हो रहे हैं और जो है ना एक्स में जो है ना पहले स्टेज लार्वा पैदा होगी फिर ये सेकेंड स्टेज लार्वा पैदा होगा जब एक्स ले होगा तो इट इज हे, हे, इट इज प्रोड्यूस लार्वा इन एग्स और सेकेंड स्टेज में जो है ना ये लार्वा होते जो इन्फेक्टिव स्टेज इनकी अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि एस की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है तो इसमें यह कह सकते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा जो एम्ब्रोनेट एक्स में ये एम्ब्रोनेट एक्स जो है ह्यूमन इंगेज करते हैं ह्यूमन इंगेज करते हैं तो ह्यूमन इंगेज करेंगे तो इट विल गो इन टू द्यूमन इंटेस्टाइन जब ये एम्ब्रोनेट्री एक्स ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहाँ जो है दे विल हैच इन टू द थर्ड स्टेज लार्वा और ये लार्वा जो है न, इंटेस्टाइन में, फिर इंटेस्टाइन वाल को पेनीट्रेट it इन टू सर्क्यूलेशन एंड देन गोज इन टू द लंग्स और लंग्स में दो बार मोल्ड करेगा या yeah, यहां मैंने कहा कि इंटेस्टाइन में थर्ड स्टेज इट वॉज नॉट करेक्ट तो मिस दो बार पहले ये मोल्ट हो चुका है दो बार ट्वाइस मोल्ट लंग्स में होगा लंग्स के बाद जो है ना देट लारे ट्रेवल टू द और pharynx के बाद जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसके साथ अगेन दैट गोज इन टू इंटेस्टाइन और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा अगेन इट प्रोड्यूस एग और वहां सेक्शुअल मेचोर होगा और एग प्रोड्यूस करेगा और इसी तरीके से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी

फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन ये आपको एरिया याद करने होंगे कि किस स्टेज में मोल्ड कर रहा है कहाँ इनका हैबिटाट क्या है और अक्सर ये जो कमीशन में सवाल पूछे जाते हैं उनमें ये कि इंटरबायोमिकलस ह्यूमन के कौन से इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं या इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं या लार्ज में होते हैं या स्मॉल ये सारा ऐसे सवाल होते हैं और ये एडल्ट जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन में रात को जो है ना फीमेल जो है ना इट माइग्रेट टू द रेक्टम स्पेशली द पेरी एनल एनल एरिया के करीब जो रीजन होता है ह्यूमन रीजन वहाँ ये मूव करेगी और वहाँ जो है अपने एक डिपॉजिट करेगी और एक में जो है ना फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है और उसके बाद जो है ना वो फीमेल डाय हो जाती है मर जाती है वो हमारे फिश के साथ बाहर जाती है इन द सेम वे फीमेल मिस यहां जो ना ह्यूमन में दो काम करती है एक एक प्रोड्यूस करती है मिस एनस के करीब और दूसरा इचिंग साउंड प्रोड्यूस करती है सो व्हेन फीमेल एंट्रोबाइस प्रोड्यूस इचिंग सेंसेशन अराउंड द एनस रीजन देन वाट वी स्क्रेच द इचिंग एरिया हाथ से अपने हाथ से या किसी कपड़ों से वो जो है ना एनल एरिया को स्क्रेच करते हैं स्पेशली बच्चे स्क्रेच करते हैं देन दीज हैंड्स एंड बेड क्लाथस कंटेन एग्स उनमें एग्स होते हैं और जब विदाउट हैंड वाशिंग्स विदाउट जो है ना शावर लेने से जो है ना हम अपने जो है वो हाथ से कोई खा लेते हैं तो देन दैट एक्स आर सॉलोड इन द बॉडी और देन वाट हैपन कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है ना ये माइग्रेट करेगा और माइग्रेट uh, uh, करके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और इसी तरीके से जो है ना वहाँ मेल और फीमेल जो है ना एक प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो इस लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से देखें लुक एट दिस दिस वन अ ग्रेविड फीमेल ऑफ इंटेरोबायोज इंटरबायोस वर्मिकुलस ये स्पेशली फाउंड द लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो है ना प्री एनल एरिया के करीब होगी वहाँ जो है ना ये अंडे देगी और अंडे जो है ना फिशेस के साथ जो है ना बाहर इन्वायरमेंट में रहेंगे क्योंकि अंडों में पहली स्टेज लार्वा होती है एक्स में होती है और उनको एम्प्रोनेटिक एक्स कहते हैं और वो ये एम्प्रोनेटिक एक्स जो है न क्योंकि वो बेड से हाथ को लगेंगे हाथ फिर जो है ना हम अपने किसी न किसी तरह से मुंह को लगाएंगे तो ये एक्स जो है ना हमारे बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ जो है ना आसता आस्ता जो है ना इंटेस्टाइनल वाल के ह्यूमन इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ फोर टाइम मोल्ड करते हैं इस तरीके से ये इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है थर्ड नेक्टर अमेरिकन इनको हम न्यू वर्ल्ड हुक वर्म्स कहते हैं ये दो ट्रम्स अक्सर यूज हो जाते हैं एक ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड स्पेशली न्यू वर्ल्ड हम नार्थ और साउथ अमेरिका को कहते हैं और ओल्ड वर्ल्ड यूरोप हो गया एशिया हो गया इस तरीके से अफ्रीका हो गया इसको ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं तो ये इनका इन्फेक्शन ज़्यादातर साउद साउथ अमेरिका में होता है तो इसे इनको जो अमेरिकन हुक्म कहते हैं एंड इट कंटेन द हुक ये आप देख सकते हैं इनकी बिल्कुल हुक्स पाए जाते हैं तो इसको जैसे हुक दे फाउंड इन द एडल्ट फाउंड इन दुमल इन टेस्टाइन और ये इन टीथ के थ्रू इंटेस्टाइन के साथ जो है ना अटैच होते हैं और द फीड ऑन द ब्लड एंड टिश्यू एंड इन फीमेल कैन ले टेन थाउजेंड इन एग्स और ये अंडे जो है ना फीस के साथ पास आउट होते हैं दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अमेरिकन हुक्म यहाँ से ऊपर वाले जो है ना ह्यूमन में है दिस इज द एडल्ट एडल्टकवम्स एन फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बी और यहाँ जो है ना इट प्रोड्यूस एग्स और एग्स हैच होंगे और इनकी लारवल पहली जो लालवर स्टेज होते हैं उनको रॉबडिटी राब, फार्म कहते हैं रॉबडिटी फार्म रेबडिटी एक्चुअली इट्स डिफाइन द शेप्स और ये रेबडिटी फार्म इन्वायरमेंट में होता है अक्सर ये लार्वा के पहली और सेकेंड स्टेज होती है लेकिन ये कुछ नेमाटोट्स में होती है स्पेशली इसमें होती है और कुछ और में सब में ऐसा नहीं होता और इनकी जो आगे चलकर ये शक्ल चेंज करेगा तो उसको हम क्या फ्लेरी फार्म लार्वा कहेंगे और ये फिलरी फार्म लारवा जो है ना इन्फेक्टिव स्टेज है तो ये सवाल पूछे कि अमेरिकन हुक्म्स की जो है ना इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है यह फिलरी फार्म स्टेज होती है तो ये फिलरी फार्म स्किन को पेनिट्रेट कर, ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट करेगा और इस्पेशली क्योंकि हम बेयर फुट वाक करते हैं बाहर जाते हैं डेफिकेशन के लिए लोग गाँव में क्योंकि ओपन डेफिकेशन जो है ना अफ्रीका में और एशिया में पॉपुलर है तो लोग वाशरूम इस्तेमाल नहीं करते या वाशरूम में जाते हैं तो बेयर फुट जाते हैं नंगे पाँव जाते हैं तो ये पाँव के टोज के बीच में जो स्किन है उनको पेनीटेट करता है और जो पेनीटेट करेगा तो देन इट गोज़ इन टू अवर सर्कुलेट्री सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इट गोज इन टू द लंग्स लंग्स के बाद ट्रेकी ट्रेकी के बाद फेरेंग्स और फेरेक्स के बाद जो हम कुछ खाते हैं तो उसके साथ जो है हमारे ये हमारे स्मॉल आ जाता है तो इस मीन्स शेप के अलावा मीन्स अमेरिकन हकाम में जो लार्वल शेप्स हैं रेबिटी फॉर्म्स और फिलरी फार्म इसके अलावा ये सारी जो है ना लाइफ साइकिल एस जैसी जैसे, जैसे एसकेरेस करें ऐसे ही इनकी है नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ द पोर्क ट्राइकिन ये पिग में अक्सर पाए जाते हैं सो एडल्ट लिव इन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड कार्निवर्स एनिमल स्पेशली पिक्स पिक्स में पाए जाते हैं कुछ और हमारे ओमनीवर्स कार्निवर्स एनिमल में और ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और स्पेशली जो लोग पिग खाते हैं उनका इंफेक्शन जो है ना इनमे इनका उनमें ज्यादा जो पिग ईटर्स हैं उनमें ज्यादा होता है सो इन इंटेस्टाइन एडल फीमेल गिव बर्थ टू द यंग लार्वा और ये लार्वा जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में करेगा इंटर होगा देन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ये इट गोज इन टू द स्केलेटल मसल्स ऑफ द सेम होस्ट और ये स्केलेटल मसल में कई साल रह, रहेगा और वहां डिजीज़ काज करता है जिसे हम ट्राइकिनोसिस कहते हैं और जब फॉर एग्जाम्पल ये पिक स्कल मसल्स में है, तो लोग पिक खाते हैं उनका गोश्त खाते हैं वन दे ईट द गोश्त मीट ऑफ दैट वन तो ये ये ह्यूमन में आ जाते हैं और ह्यूमन जो है ना जब पिक का गोश्त इमप्रॉपरली कुक करेगा और रहा खाएगा कच्चा खाएगा कच्चे का मकसद आधा पक्का आधा कच्चा तो अगेन लारवा जो है ना हमारे स्टमक में जाएगा देन इट्स गोज़ इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना फोर टाइम मोल्ड करेगा इसके बाद जो है ना ये दोबारा लाइफ साइकिल तो इस शेप में इस फिगर में देख सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल है देख सकते हैं ये जो है ना मसल्स में पोर्क मसल्स या पिग मसल्स में ये सिस्ट दिखाई गई है यहाँ देख सकते हैं और ये जो आप देख सकते हैं ये लाइफ साइकिल जो है ना इनकी पिग में अंदर है और ये लाइफ साइकिल जो है ना किसमें ह्यूमन में है तो जब ह्यूमन पिग को खाएगा तो देन ये जो है ना ह्यूमन के सिमालिन इंटेस्टाइन में ट्रेवल करेगा और इसी तरीके से जो है ना कहीं ना कहीं ये बाहर आ जाएगा अगर पिक की बात करते हैं तो पिक की ये मसल्स में है और मसल से रिलीज होंगे में और एडल्ट सिमाल में वहाँ अंडे देगा इसी तरीके से इनकी सर्कुलेशन में लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट लाइफ साइकिल द फ्लेरल वर्म्स को कहते हैं और ये अक्सर इनका इंफेक्शन ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज का कॉन्सेप्ट ये कि फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं अच्छे तरीके से ये अर्थ है ये एक्यूटर लाइन है एक्यूटर के लाइन तेईस डिग्री ऊपर नॉर्थ में और तेईस डिग्री साउथ में ऊपर तेईस डिग्री होते हैं उनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और लोअर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यहाँ जो ममालिक होते हैं

और आप जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का काम यह है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम से जो फ्लूड वगैरह या जो चीज़ें निकल जाती हैं तो उनको दोबारा जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस करता है तो जब ये जो है ना वर्म्स जो है ना या फिलरल वर्म्स इस लिम्फेटिक सिस्टम में को ब्ला कर लेंगे तो ये का ये लिम्फ जो है ना आस्ता आस्ता पेरिफेरल टिश्यू में जो है ना इकट्ठे होगी और जब ये पेरीफ्रल टिश्यू में फिलिट करते वो बड़े हो जाएंगे तो इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं एलिफेंट यासिस कहते हैं या इस तस्वीर में आप सकते हैं ये एलिफेंट यासिस के मशहूर के ये पेरीफ्रल बॉडी में ये लिफ जो है ना लिम्फेटिक वेसल के न लिम्फिकल वर्म्स की वजह से लिम्फेटिक वेसिस ब्लॉक हैं और ये जो है ना लिफ को पंप अप न, नहीं कर रही तो ये ये जो है ना डिजीज़ कारा इसको हम क्या कहते हैं एलिफेंटियासिस कहते हैं नाउ लेट्स डिस्कस डिकस लाइफ साइकिल ये ह्यूमन और ये जो है ना मास्किटो इनकी लाइफ साइकिल दो में हो मास्किटो में ऐसा कंप्लीट होता है दूसरा ऐसा ह्यूमन में कंप्लीट होता है तो इन लिम्फेटिक वे फर इन नेमाटोड कापुलेट करते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ये मेल और फीमेल एक दूसरे से मिलते हैं कापुलेट करते हैं और द प्रोडूस लार्वा वी कॉल दैट लारवा माइक माइक्रोफिलेरी और माइक्रोफिलेरी ब्लड में रिलीज होता है ये देख सकते हैं या इस साइकिल में ब्ली ह्यूमन स्टेज ब्लड में रिलीज होगा हमारे ब्लड को और ब्लड को ब्लड स्ट्रीम में जब अक्सर जो है ना रात के टाइम जो है ना सर्कुलेशन में ये नीचे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और मास्कीटो जो है ना हम ह्यूमन ब्लड को फीड करेंगे और वहाँ से जो है ना दे देेस माइक्रोफ्लेरी ये जैसे आपने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में पढ़ा होगा तो सेम वे वहाँ इस्पोर्ट होते हैं यहाँ माइक्रोफ्लेरी वो अपनी बॉडी में और माइक्रोफ्लेरी जो है ना माइग्रेट करता है मास्किटो थोरेक्स मसल्स में और वहाँ जो है ना दो दफ़ा जो है ना वो वहाँ मोल्टिंग होती है और मोल्टिंग की वजह से जब वही मास्किटो किसी दूसरे बंदे को जो है ना फीड करता है तो उनकी प्रोबोस के थ्रू जो है ना वो इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन में जाती हैं और इसी तरीके से दो बार उस इसने मोल्ट किया मास्किटो में और दो बार ये मोल्ट करेगा लारवा जो है ना ह्यूमन में करेगा और ये हमारा लम्फेटिक सिस्टम इंटर होगा और वहाँ जो है वंस कोई भी वो चेरिया या फ्लेरल वर्म्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाते हैं तो उनको ख़त्म करना एलिमिनेट करना मुश्किल होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है और ये लोग, लोग को जिंदगी भर जो है ना इस कंडीशन से सेम इट बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल जैसे प्रीवियस तस्वीर में मैंने कुछ ब्लैक वमेन की तस्वीरें दिखाई वो एज इट बिकम पार्ट ऑफ दाइफ लाइफ स्टाइल तो ये कुछ चीज़ें थी तो यू आंसर दीज क्वेश्चन और ये आसान क्वेश्चन है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हेयर थैंक यू फॉर लिसनिंग और ये सारा कुछ मटेरियल इन बुक्स से लिया गया है ये हमारे जो है हैं मटेरियल हैं थैंक यू वेरी मच फॉर और जिस बच्चों ने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग